नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी एचपी पर। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे स्कूल की बात करने जा रहे हैं जिसका संबंध भारत की आज़ादी की लड़ाई में भूमिका निभाने वाले एक वीर क्रांतिकारी से भी है। और मैं जो यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ महान क्रांतिकारी हिमाचल प्रदेश की ओर से, जिन्होंने भारत की आज़ादी में सहयोग दिया, और कोई नहीं यशपाल शर्मा जी की। तो दोस्तों, इनके बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर यशपाल मेमोरियल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भूमपल, इनके नाम से एक स्कूल है जो कि भूमपल में स्थित है तथा जिसकी स्थापना 1932 में हुई थी, उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो है ये स्कूल छठी से ट्वेल्थ तक है तथा यहाँ पर 2623 बुक्स की लाइब्रेरी के साथ कंप्यूटर लैब्स और स्मार्ट क्लासेस भी जैसी आधुनिक सुविधाएं वो फैसिलिटीज़ उपलब्ध है। ये स्कूल विकास खंड नादौन जिला हमीरपुर में पढ़ता है तथा अक्सर हिमाचल प्रदेश टॉप सिलेक्शन कमीशन द्वारा ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि यशपाल शर्मा जी का संबंध कौन से ज़िले से है। तो उनका संबंध दोस्तों हमीरपुर ज़िले से तथा भूमपल गाँव से है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर स्कूल की कुछ और पिक्स देख लेते हैं। ये है बॉयज़ स्कूल की, ये है स्कूल का दूसरा गेट तथा यहाँ पर दोस्तों ये है यशपाल मेमोरियल स्मारक तथा साथ में जो है सरस्वती माता भी है तथा ये जो है दोस्तों यहाँ पर प्रेयर करवाई जाती है। दोस्तों ये है वाटर कूलर और साथ में यहाँ पर प्लस वन प्लस टू की क्लासेस हैं, दिखाई दे रही हैं आपको। तथा दोस्तों ये एक बार फिर से यशपाल मेमोरियल और सरस्वती माता की फ़ोटो। तो दोस्तों ये है, यहाँ पर प्रेयर करवाई जाती है, साथ में यहाँ पर एक पीपल का पेड़ भी है और आम का पेड़ भी है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप फोटोज़ यशपाल मेमोरियल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर जो है हम यशपाल जी के बारे में बात कर लेते हैं, यशपाल शर्मा जी के बारे में बात कर लेते हैं। 1921 में ये भगत सिंह, इनका जो जन्म है दोस्तों 3 दिसंबर 1903 को पंजाब के फिरोजपुर में हुआ था। इनका जन्म जो है पंजाब के फिरोजपुर जिला में हुआ था, लेकिन इनका बचपन हमीरपुर जिला के भूमपल स्थित रगाड़ में बीता था। इनका जो है 1921 में ये भगत सिंह सुखदेव के संपर्क में आए और क्रांतिकारी गतिविधियों में आगे बढ़े, लेकिन जब चंद्रशेखर जी की शहादत हुई तो उसके बाद क्रांतिकारियों ने हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र के संगठन का गठन किया था। उसमें जो है इन्हें कमांडर नियुक्त किया गया। एचआरए में यशपाल शर्मा जी को बॉम्ब एक्सपर्ट के नाम से भी जाना जाता था। 23 दिसंबर 1929 को वॉइसरॉय लॉर्ड इरविन द्वारा ले जाने वाली ट्रेन को इन्होंने बॉम्ब से उड़ा दिया था तथा 22 जनवरी 1932 को इलाहाबाद में पुलिस के मुठभेड़ के समय गोलियाँ खत्म होने पर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें 14 वर्ष का कठोर कारावास दे दिया गया। लेकिन जब 1937 में चुनाव हुए और 1938 में जब कांग्रेस की सरकार आई, तो कांग्रेस द्वारा 1938 में क्रांतिकारियों को आज़ाद करने की बात हुई, तो जिसमें यशपाल शर्मा जी भी रिहा हो गए। और ये जब जेल में बंद थे, इन्होंने कलम की मदद से कई कहानियाँ तथा उपन्यास लिखे। इनकी कलम में तलवार की तरह धार थी। इनकी विप्लव नाम की पत्रिका से अंग्रेज इतने परेशान हुए कि उसे जबरदस्ती बंद करवा दिया गया। इनका लेखन कार्य आज़ादी के बाद भी चलता रहा और इनकी गिनती भारत के बड़े बड़े लेखकों में शामिल की जाती है, परंतु यशपाल शर्मा जी का जो योगदान रहा उस हिसाब से इन्हें प्रसिद्धि नहीं मिली और लोगों के लिए यह एक अनसुना नाम है। इनको जो है हमारे प्रदेश सरकार से यही निवेदन रहेगा कि इनकी जीवनी को जो है स्कूली पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाए, जिससे कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को ऐसे महान हस्तियों का पता लग सके, क्योंकि हमीरपुर में रह रहे व्यक्तियों को ही इनके बारे में पता नहीं है। तो देश और दुनिया इस आज़ादी के लड़ाई लड़ने वाले क्रांतिकारी के बारे में कैसे जानेगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से यही निवेदन है कि जो हमारा स्कूली पाठ्यक्रम है, जिसमें यशपाल शर्मा जी को भी पढ़ाया जाए, उनकी जीवनी को पढ़ाया जाए, ताकि उनको जो है हमारी आने वाली पीढ़ियां भी जान सकें। तो दोस्तों यही आज की हमारी वीडियो थी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलना तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसे ही अपडेट्स और वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी हमारी तरफ से। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जय भारत, जय हिमाचल प्रदेश। दोस्तों शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।